प्रोजेक्टर लाइट जो भी चीज देखोगे ग्रीन ले लो या कुछ भी, ये आपको इसी लेवल में फुल कन्वर्ट दिखेगा आपको सारा काम। हाँ तो एक बार मैं आपको डोर दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार हमारा डोर का भी देख सकते हो स्टिचिंग, ये भी सेम जीटी लाइन डिजाइन से हम कहते हैं क्योंकि रेड कलर और रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन जीटी लाइन बन गया हमारा। और ये देख सकते हो फुल वुडन किट। भाई आज की जो स्कॉर्पियो हमारी रहने वाली है इसमें क्या क्या काम रहने वाला थोड़ा हमें बता दो एक बार। सबसे पहले बात तो मैं बता देता हूँ कि ये स्कॉर्पियो जो मेरा रहने वाला है ये सिक्स प्लस रहने वाला है। सिक्स प्लस है जिसको मैं आगे से इलेवन में कन्वर्ट किया हूँ, जो आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट से लेकर के नीचे प्रोजेक्टर लाइट जो भी चीज देखोगे ग्रीन ले लो या कुछ भी, ये आपको इस इलेवन में फुल कन्वर्ट दिखेगा सारा काम। हाँ दूसरी ये जो अपना इसके हम जो गाड़ी में डालते हैं डीआरएल लाइट एंड आईपीएच लाइट, ये सारी मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। इधर भी हेडलाइट में भी आईपीएच का प्रोजेक्टर है हमारा। एक बार जलाना है इसका लाइट। तो भाई अब बताओ इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डीआरएल जो हमने लगाए हैं जो बाकी जो भी गाड़ी में लगाते हैं बिल्कुल वही वाली फिटमेंट हमारी रहने वाला है। हाँ। ना कि इसमें हमने कुछ चेंज किए हैं। तो मतलब भाई इस गाड़ी में और जो अब वाली स्कॉर्पियो में कुछ चेंजेस होते हैं कंपनी से कि सब कुछ सेम है? ये सिक्स में और ये सेवन में चेंजेस होते हैं। हाँ। बट हम उसको कन्वर्ट करने में कुछ थोड़ी बहुत हमारे को परेशानियां आता जो हम कर लेते हैं जैसे S5 में बिल्कुल नहीं होती, उसमें कोई परेशानियां नहीं होती, पहले वाली मॉडल में करना होता है। S6 में और S7 में प्रॉब्लम आती है? S5 और S7 तो सेम वर्जन में है। पता नहीं मेरे तो मॉडल ही इतने हैं कि सोचते रहो रात से दिन हो जाएंगे। मॉडल देख सकते हो मैं इसका मैट्रिक्स ऑन करके, ये देखो भाई मैट्रिक्स हमारा प्रोजेक्टर में भी डीआरएल, मतलब भाई ये थोड़ा लग्जरी सा लुक दे दिया गाड़ी में जैसे BMW वगैरह में आता है। हाँ बिल्कुल डीआरएल प्रोजेक्टर में। ऑडी A7 वाली है, A7 स्टाइल का हमारा मैट्रिक्स है। A7 स्टाइल हमने डाले इसके, क्या बात है, मतलब काफी जबरदस्त लग रहा है हमारा डीआरएल भी बिल्कुल। हमारे आईपीएच का रोशनी देख सकते हैं, मेरा हाथ दिख ही नहीं रहा बिल्कुल दिन में, इसलिए पता नहीं लग रहा, रात का फोकस में इसको पता लग गया। रात को भी हम इसका चेक कराएंगे किस तरीके से फोकस आता है। और वही हम साइड में जाते हैं तो इसके अंदर हमने जो कन्वर्ट किए हैं BMC कवर क्योंकि हर गाड़ी में हम लगाते हैं। ये साइड फुटरेस्ट इसमें लग के आया था, ये हमने नहीं लगाया बट हम लगा देते हैं बिल्कुल। अच्छा सेम पीछे हम कोटिंग करके और सब कुछ करके देते हैं। हाँ ठीक है। बाकी एलॉयज भी लगाए थे कंपनी, भाई ने लगवाए थे, खुद हमने नहीं लगाए, ये हमने नहीं लगाया बट ऐसे एलॉय में तो काफी डिजाइन मिल जाएंगे। सिर्फ एलॉय के लिए बंदे कॉल करेंगे तो वो काम नहीं मिलेगा। डोर वाइजर 6 पीस गैलियो कंपनी का, गैलियो कंपनी का रहने वाला है। अगर ये बात हम रूफ रेल करें तो ये वाला रूफ रेल कंपनी से लग के आया था बट हमारे पास भी ये वाला इसकी फिटिंग हो जाता है। सेम हमारे पास भी इसके आर्ट आ चुका है। ठीक है। हमें बैक प्रोफाइल में हाँ भाई इसके अंदर स्पॉइलर जो फिटिंग है कंपनी से आया हुआ है, कंपनी से आया हुआ है। हमारे पास भी बिल्कुल सेम फिटिंग का हो जाता है, ना कोई चलन इसके अंदर रहता है ना कोई लाइट रहता है इसके अंदर, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है महिंद्रा जेन्युइन। वही अगर आप यहाँ पे लाइट देख सकते हो S11 वाली लाइट हमने फिटिंग की है इसके अंदर, ब्रेक लाइट हमारी S11। साइड में इसके जो हमने पिलर फिटिंग किए देख सकते हो आप, वाइपर लगाया हमने वाइपर तो नहीं लगाया पर नेक्स्ट वीडियो से आपको वाइपर भी दिखेगा, देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो से आपको वाइपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमने कैमरा जो लगाए हैं ओरिजिनल फिटमेंट क्या बात है। मतलब भाई इसके अलावा जैसे बम्पर वम्पर में लगाते हैं वो मजा नहीं आ पाता जो यहाँ पे लगाने में आता है, की बात ही अलग हो जाता है। ये बम्पर सेफ्टी गार्ड हमने लगाए हैं, बम्पर पट्टा जिसे हम बोलते हैं, और ये आप देख सकते हो स्कॉर्पियो रियर रिफ्लेक्टर। हाँ टेल लाइट, ब्लैक ब्यूटी किट और ये हमने ब्लैक कलर के सेंसर लगाए इसका। अच्छा सेंसर लगाने की जगह नहीं होती पर तब भी चमुंडा वाइज ग्रेड जुगाड़ करके लगा दिया। और अब हम अंदर की बात अगर करें इसके अंदर तो हमने क्या फिटिंग की मैं दिखा सकता हूँ। तो भाई पीछे की तरफ चलते तो पायनियर के ओवल्स लगे हुए इसमें, ओवल स्पीकर लगाए हमने पीछे, 70 मैट देख सकते हो 70 मैट रखा। बाकी भाई का सामान है जिनकी कार है ये देख सकते हो भाई, मतलब पूरा स्टॉक ले रखा है। इन चीजों को मैं प्रमोट नहीं करता बट स्टिल आप देख सकते हो रॉयल्टी रजनीगंधा शौकीन है भाई हमारे, महंगे आते मुंह में रजनीगंधा और क्या कहते हैं भाई कदमों में दुनिया रफ फोर्ड की बेस इंक्लोजर आप देख सकते हो R1 सीरीज। और अगर सीट कवर की बात करें तो इसके अंदर हमने जीटी लाइन सीट कवर फिटमेंट किए हैं क्योंकि डिजाइन बहुत ही शानदार लग रहा है हमारा। और इधर हमारा रजनीगंधा विद तुलसी, रजनीगंधा वालों ने पैसे नहीं दिए भाई प्रमोट करने को हमें।
तो और ये देख सकते हो ग्लास फोड़ने का, ये बहुत सही चीज है भाई। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं थोड़ी सी। तो देखो सपोज आपकी गाड़ी का भाई, देखो भगवान ना चाहे कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के डोर्स लॉक हो गए, आपको बाहर निकलना है, आप कैसे निकलोगे? तो ये हैमर है, इसको निकालो और शीशे पे मार दो, आराम से शीशा टूट जाएगा। काफी हैवी वेट है और ये काफी सेफ्टी आइटम बहुत सही है। आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी में सब चीजें जरूर रखो, क्योंकि जिंदगी एक बार आती है तो ये चीजें बहुत जरूरी है। चमुंडा भाई इस टाइप की चीजें तो मैं कस्टमर को सजेस्ट करनी है, अब नेक्स्ट टाइम से हम कस्टमर के लिए लाने वाले हैं। हाँ, ये सारी चीजें लेकर आनी है, जो कि जो कार के ओनर है उन्होंने तो ऑनलाइन मंगाया था, बट हमारे पास भी ये चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप लोग को दिखाने के लिए मेरे को सही चीज लगी तो मैंने दिखा दिया। भाई ने फायर एक्सटिंग्विशर भी गाड़ी में लगा रखा है, मतलब सेफ्टी का फुल खास ध्यान रखा गया गाड़ी में, और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं यार। आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत पड़े। सपोज आपको ना पड़े, किसी और को कुछ प्रॉब्लम हुई हो रास्ते में आप जा रहे हो, तो इन चीजों को आप रख सकते हो अपने लिए। किसी और की जिंदगी बचाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। अब हम इसके म्यूजिक पे फोकस करते हैं, क्या क्या लगा इसके अंदर, म्यूजिक दिखाते हैं। ये हमने इसमें ये लगाया था, बट इसमें मेरे को थोड़ी सी साइड से प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, ऐसा क्यों? इसके अंदर S4 के अंदर या S6 के अंदर जो पुरानी वेरिएंट कार था उसके अंदर ये लगाने का कोई जगह नहीं होता, जगह नहीं होता। तो इसके अंदर भाई की डिमांड था कि निविया हमको तो ग्लास होल्डर चाहिए, सनग्लास होल्डर, और अपनी लाइट वाइट तेज करना है तो हाँ। हमें चाहिए, तो हमने बोला ठीक है हम जुगाड़ बनाते, तो जुगाड़ बनाए, बट यहाँ पे थोड़ी सी गैप रह गया। भाई ने बोला कोई बात नहीं, पर उसमें भी जुगाड़ कर दिया है। हाँ, उन्होंने बोले कोई बात नहीं, मेरे को चलेगा इतना। हाँ हाँ चलेगा, बट मैं इसकी शौकीन हूँ, मेरे को चाहिए। क्या बात है, तो करके दिए। तो शौक बड़ी चीज है बिल्कुल। बाकी ये लाइट आप देख सकते हो, ये S11 वाली, ये S11 में आती है भाई। हाँ, S11 ये तुमने लगाई थी। हाँ जी, क्या बात है, इसमें बढ़िया से कर दिया, फिटिंग भी हुई है। बाकी आर्मरेस्ट चेकआउट कर लो, हमारा आर्मरेस्ट हो गया S11 वाला ओरिजिनल, हत्ती जिसे कहते हैं हम देसी भाषा में। तो हम इसको नहीं बोले S11 में लग के आता, बट ये जो हमने आर्मरेस्ट फिट किए इसके अंदर हमने इनोवा वाले फिट किए हैं। इनोवा वाले फिट करे? हाँ, ये इनोवा वाले आर्मरेस्ट है। मतलब पर S11 में आता है तो हम S11 ही बोलेंगे, स्कॉर्पियो का। ठीक है, और बाकी जो हमारा फोकस है मेन, ये आप देख सकते हो इसके अंदर स्टीयरिंग बटन हमारा बटन के काम हुआ है, साइड के डोर के रैप आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको डोर दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार हमारा डोर का भी देख सकते हो स्टिचिंग, ये भी सेम GT लाइन डिजाइन से हम कहते हैं, क्योंकि रेड कलर और रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन GT लाइन बन गया हमारा। और ये देख सकते हो फुल वुडन किट, और इसका पावर विंडो आप देख सकते हो इधर। देखो एक बार सेंटर कंसोल में सारा पार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लो, और इसके कर्टन जो डाले देख सकते हो ग्लास के साथ ऊपर जाएगा। क्या बात है, ग्लास ऊपर जाएगा। और अपना इसके अंदर ट्विटर फिटमेंट हुआ है कंपोनेंट का, इधर इस साइड में आपको दिखाऊं जो मेरे पास पड़ेगा, ये देख लो, ये हमारे पायनियर का ट्विटर रहने वाला है। स्टीयरिंग के अंदर आप देख सकते हो स्टीयरिंग रैप हुआ हमारा, इसको सीधा करो भाई एक बार थोड़ा सा। मतलब पहले भाई लोग चलाते कैसे थे गाड़ी बिल्कुल टाइट वाली। हाँ तो भाई ये देख सकते हो हमारा स्टीयरिंग माउंटेड बटन। अब भाई ये स्टीयरिंग माउंटेड बटन जो है हमारे, ये अलग कलर में, ऐसा क्यों? सवाल कर रहा हूँ भाई तुमसे, कस्टमर को दिखा रहा। मैंने इसके मैचिंग के हिसाब से लगाया। अच्छा, मैचिंग के हिसाब से लगाए हैं बिल्कुल। अच्छा, जो वुडन के साथ मैच करे, अच्छा ब्लैक लगाते तो वो बिल्कुल ऑड लगता, पर ये भी अच्छा लग रहा है। ये वुडन के हिसाब से हमने थोड़ी सी मैचिंग बनाया था इसके अंदर, और ये फुल्ली फंक्शनल है। देखो काम करता है हमारा, ये देखो, ये देखो वॉल्यूम कंट्रोल सोर्स देख रहे हो भाई, मतलब सब कुछ फुल्ली वर्किंग है इसमें। और इस साइड ये क्रूज कंट्रोल तो नहीं चलता हुआ है भाई हमारा? नहीं, इसके अंदर क्रूज नहीं चलता, बट अगली बार से हम कोशिश करेंगे क्रूज चलाने की, कोशिश करेंगे जरूर क्रूज कंट्रोल चलाने की। क्रेटा में तो हमने चला दिया, क्रेटा में बेस मॉडल में चला दिया, बेस मॉडल में हमने चला दिए। वो कैसे भाई? बिल्कुल सारे फंक्शन होने उसके अंदर। क्या बात है, मतलब भाई हमारी पीठ पीछे इतना कुछ हो गया हमें पता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब स्कॉर्पियो के लिए चीज ऑफिशियली वीडियो बना के दिखाएंगे हम। बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल हमने क्रूज ऑन करेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट मेरा चल रहा है, सक्सेस अगर हो जाता है तो फिर पार्टी चमुंडा भाई की तरफ से। तो भाई देख लो, बाकी इसका मीटर पे भी हम ध्यान देने वाले हैं अगली बार से, S11 के मीटर हमारा लगने वाला है ब्लू लाइट वाला। हाँ, मीटर फोल्डिंग दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया कर चुके हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर हमने कंट्रोल कर दिए हुए हैं। हाँ, ये वाले कंट्रोल जो फॉग लाइट कंट्रोल दे दिया। अब रियर वाइपर और एक लाइट के बाद S11 कंपनी से बिकनी बंद होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। पीछे रियर वाइपर हम यहाँ से एक्टिवेट करने वाले हैं, वो सब अगली वीडियो से हम दिखाने वाले। ओके सो गाइस, अब दिखाते हैं इसका हमारा ऑडियो सिस्टम हमारा कैसे रहने वाला है, तो ऑडियो सिस्टम पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अब ऑडियो सिस्टम आपको चला के दिखाते हैं, जो कि हमारे फ्रंट में पायनियर के कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। सो भाई अब ऑडियो सुनो।
तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। हमारे भाई बिल्कुल महाकाल के भक्त है, बिल्कुल प्योर भक्त, प्योर महाकाल के भक्त है हमारे नवीन भाई। और इन्होंने ये देखो आप देख सकते हैं महाकाल के यहाँ पे विराजमान कर रखे हैं, और ये प्योर हमारे चांदी में रहने वाले सिल्वर में। तो गाना भी बिल्कुल महाकाल वाले, स्थापना कर रखे है महाकाल के यहाँ पे, प्योर भक्त है हमारे भाई। क्या बात है, महाकाल की कृपा है भाई पे, महाकाल की कृपा है। तो भाई अब दिखाते हैं आपको, काम तो पूरा दिखाई दिया हमने, ऑलमोस्ट सब दिखा, बाकी 70 मैट फ्लोरिंग यही रहने वाला, तो बाकी तो आप सीट कवर, ये चीजें तो भाई हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर देखते हैं वो जानते ही हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा काम इस गाड़ी का, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अब बात करते हैं नवीन भाई से, उनको कैसा लगा काम हमारा, तो चलते हैं और भाई से मिलते हैं। आपने आज की वीडियो देख ली हमारी, काफी बढ़िया थी। ये हमारे नवीन भाई है जिनकी गाड़ी थी। नवीन भाई कैसे हो सबसे पहले? बढ़िया भाई, एकदम बेहतरीन। तो भाई काम कैसा लगा आपको गाड़ी का? बेहतरीन बेहतरीन, मजा आया बिल्कुल। अब भाई मैंने आपको देखा आपका गाड़ी में काफी सारा स्टॉक रखा हुआ है, वो क्या था ये बताओ थोड़ा उसके बारे में। शौक ये अपना रजनीगंधा तुलसी भाई, अगेन ये वीडियो रजनीगंधा की तरफ से स्पॉन्सर नहीं थी, वो तो भाई का शौक है, हमने दिखा दिया भाई। गुटका पानी बिल्कुल फिट रहे गाड़ी में भाई, ये ऐसी चीजें कई बार कहीं नहीं मिलती, तो पहले स्टॉक लेके गाड़ी में। क्या बात है, तो भाई काम बिल्कुल बढ़िया लगा, एक नंबर। कोई कंप्लेंट छोटी सी भी? कंप्लेंट क्या यार, चामुंडा भाई मित्र हमारे, दिलीप भाई, सोनू भाई, सारे मित्र भाई अपने यहाँ तो बैठे रहे, अपने आप ही उन्होंने अपने आप कर दिया काम जो कुछ करना। क्या बात है, और आज काम काफी जल्दी भी हो गया हमारा, तो आप सुबह जल्दी आए होंगे? हाँ मैं आ गया करीब 10 बजे करीब, आ गया 10 बजे करीब भाई आए थे और सारा काम कंप्लीट कर दिया, और अभी बज रहे 3:30-4 भैया। ये है ना, ये हमारे मित्र है भाई है, बाकी काम बाद में होगा, पब्लिक का पहले हमारा काम होगा। नहीं नहीं बात ऐसी नहीं है, हर कस्टमर को आपकी प्रेफरेंस दी जाती है। भाई ने ऐसा करा था, आधा काम भाई ने कल परसों कभी आए थे ना, आना था मुझे 2 दिन पहले, पर भाई साहब आउट ऑफ दिल्ली थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी निगरानी में ही करवाऊंगा सारा काम, तो इस वजह से आज का टाइम मिला चावंडा भाई के पास। चलो बढ़िया भाई, बाकी एक बार भाई सब्सक्राइब करने को आप बोल दो भैया, इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और घंटी बजा दो, जो भी बजना वो सब बजा दो। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।